बीते दिनों राजस्थान के करौली जिले में एक गांव में हुई पुजारी की हत्या का मामला मीडिया में छाया हुआ है। विभिन्न टीवी चैनल्स पर आयोजित होने वाली टीवी डिबेट में इस मुद्दे को लेकर खूब चर्चा हुई। इसी फहरिस्त में एक टीवी डिबेट शो के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत की गई, जहां एक महंत ने सोनिया गांधी को ताड़का बता दिया और साथ ही कहा राजस्थान के मुद्दे पर राक्षसी की आवाज नहीं निकली। डिबेट के दौरान सवाल ये किया गया, संत की हत्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए मुद्दा क्यों नहीं है? जिस तरह से उन्होंने हाथरस मामले पर सक्रियता दिखाई, उसी तरह बलरामपुर मामले पर और राजस्थान मामले पर कोई बयान क्यों नहीं दिया? बंटी बबली चुप क्यों है? इस पर डिबेट पैनल में मौजूद महंत परमहंस दास ने पहले तो एंकर की तारीफ की, जय श्री राम कहा और साथ ही इसके बाद महंत परमहंस दास ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। महंत ने कहा हाथरस में दंगा भड़काने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दुनिया भर की नौटंकी किए। हमारे जब पुजारी को जिंदा पेट्रोल डालकर जला दिया गया तो ये राक्षसी ताड़का के समान राक्षसी सोनिया की आवाज नहीं खुली। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक पुजारी के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी और सुरक्षा दी जाए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना समेत कई नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सोनिया गांधी पर जिस तरीके से महंत ने बयान दिया, इसका वीडियो न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बल्कि लोगों ने महंत के बयान पर जमकर निशाने साधे और इसे एक महिला का अपमान बताया। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।